Hello students, so in this lecture we are going to solve this question of moment of inertia. So the question is saying the moment of inertia of the plate in figure A about the axis shown is I. So this axis about inertia is I. The moment of inertia of the hexagonal plate of same material about the shown axis is given by कि कितना होगा. तो अगर इसके बदले इस ट्रेंगुलर प्लेट के बदले एक हेक्सागोनल प्लेट आ जाए तो उस एक्स के बॉर्डर इनर्शिया का कितना होगा, ये हमको निकालना है और वो हमको आई की टर्म में निकालना है. ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि हम इस पे एलिमेंट लें और फिर एलिमेंट लेके सॉल्व करना शुरू करें और क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर दें, कॉम्प्लेक्स कर दें, तो वो तो बहुत बेकार तरीका है. एक तरीका है कि सिमेट्री से देखें, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो भी आई की फॉर्म में ही है सारे आंसर. तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें ये तो पता है कि अगर ये ट्रेंगुलर प्लेट है, ठीक है, तो इसका इनर्शिया हमको आई गिवन है. तो हमें ये तो पता है कि इनर्शिया जो होता है वो हमेशा जो उसका मास होगा और जो साइड होगी ए, तो हमेशा उसके m इंटू ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने वाला है हमेशा. तो अगर इसका मास को m मान लिया जाए तो इसका जो इनर्शिया होगा वो कुछ प्रोपोर्शनल होगा m इंटू ए स्क्वायर के इस ट्रायंगुलर प्लेट का. और फिर अब इसको देखते हैं, इस जो ये हेक्सागोनल प्लेट है इसमें क्या हो रहा है सर. तो अगर इसको हम दोबारा ड्रॉ करें और इसको इस ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करें, तो अगर मैं इसको ऊपर ज्वाइन कर दूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई इसमें ट्रायंगुलर प्लेट दो बन सकती हैं, एक तो ये वाली ए बी सी और ये टी. तो एक तो ए बी सी बन जाएगा, एक बी सी डी बन जाएगा, ए सी टी डी बी बन जाएगा. तो इसमें दो जो है वो ट्रायंगुलर प्लेट यहाँ पे बन सकती है ऐसी ऐसी समझ. तो अगर मैं इसका इनर्शिया लिखना चाहूँ, इसका ए बी सी का, मैं लिख सकता हूँ कि जो इसका भी इनर्शिया होगा आई वन वो कुछ प्रोपोर्शनल होगा एम जिसका मास होगा इनटू जो उसकी साइड होगी उसके स्क्वायर के. बिकॉज ये जो ट्रायंगल प्लेट दिख रही है आपको ये भी बिल्कुल ऐसी ही प्लेट है, बस फर्क क्या है यहाँ पे साइड इसकी ए है तो इसकी टू ए हो गई है और मास अगर इसका एम था तो यहाँ पे इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो मास इसका हो गया 4m. तो कुल मिला के ये हो गया 16m a स्क्वायर. दैट मींस कि अगर ये इनर्शिया आई है m स्क्वायर तो 16 है, तो i1 इक्वल टू कुछ 16i हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं ये. लेकिन ये जो निकाला है हमने ये इस पूरे का है, इस पूरे सेक्शन का है और यहाँ पे ये पार्ट मौजूद नहीं था, ये तो हमने खुद ड्रॉ किया इमेजनरी ताकि हम कंपेयर कर पाए इसको इससे. तो हम इसको इमेजनरी है तो यहाँ में इसको हटाना भी होगा, इससे हमें तो पूरे का निकाला है. तो अब ये देख सकते हैं हटाने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला है अगर मैं इसका इनर्शिया कुछ देख लूँ तो वो तो आई रहेगा बिकॉज ये तो वैसा ही है बिल्कुल सेम देख सकते हैं. तो ये तो इसके ऐसा ही है, मास एम साइड है तो इसका इनर्शिया तो आई है. तो इस टोटल का पता है मुझे, इस पूरे का निकाल चुके हैं 16i. तो अगर मैं इस बचे का निकाल लूँ इससे इसका कितना होगा आई डैश बोल देते हैं. सो आई डैश विल बी इक्वल टू 16i माइनस आई दिस इज इक्वल टू 15i. तो ये आ गया इनर्शिया इस सिस्टम का, इसके अच्छे तो इसका आ गया 15i. तो ये तो हमने निकाला अभी खाली ऊपर वाले का, सेम ऐसे नीचे वाला सिमेट्री. तो अगर इसका 15i है तो इसका भी 15i होगा. दैट मीन्स कि टोटल जो इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू 30i. तो इसलिए हमने इसको बाय सिमेट्री सॉल्व कर लिया आसानी से. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.